अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक ही होंगे। आपका वेलकम है यार फिर से पार्ट टू में। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो जाओ यार एक बार पहले पार्ट वन देख लो, ताकि आपको पूरा वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके और मंडी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल स्टार्ट से एंड तक सब कुछ मिल सके। जैसे कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि मैं आज आपको अपना जो बकरा है वो आपको मैं लेके दिखाऊंगा, लेकिन सच बताऊँ तो आज बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम लोग इधर आके जो है डील बना के चले जाएँ। पर इधर जब आए, हम लोगों ने जब प्राइस देखा और जो दुम्बे थे बहुत पसंद आ गए, इस चक्कर में हमें सौदा बनाना पड़ा। और पहली बार मंडी में हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के दुम्बे देखे। तो ये भाई के पास इंडिया के दुम्बे थे, कश्मीर और राजस्थान के, और ये बता रहे थे इनके प्राइस 1400 का। प्राइस थोड़ा हाई था, लेकिन इनका दुम्बा बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल ठीक ठाक दुम्बा है और बहुत हैवी दुम्बा है। मैं आपको बता दूं, इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। के साथ है, गर्मी है, बिस्मिल्लाह करो, घूमने का फायदा ये कि परहेज है। कितना बोला? दांत देखो, दो दांत वाला देखो, ये दो दांत बदल क्या हुआ? वापस आएंगे ना? वापस अच्छा, ओके अभी आ गए। चीज है बिल्कुल बराबर चीज देना चाहिए। दो दांत वाला है, सब कुछ देखो, देखो पूरा चेक करो। और एक बात नहीं, नर वाला है, मादी वाला भी नहीं है। हाँ जो मैं तेरे को मुतबल करा वो दूसरा आदमी पता नहीं करेगा नहीं करेगा। इस भाई के दुम्बे हम लोगों को पसंद भी आ गए, लेकिन मैंने इनसे कहा कि मैं एक बार जाता हूँ मंडी में चक्कर लगाता हूँ फिर वापस आता हूँ आपके पास। ये कूलर भी होता है, बकरी होता है सब पूरा। क्या इधर जो पाँव होता है ना, इधर तो बाल नहीं होता है। कितने का है? नईमी है? कितने का है? 1800। 25 किलो है? 25 किलो है, 25 किलो, 30 किलो। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक दुकान पे कश्मीरी दुम्बा मिल गया। ये इस दुम्बे के 1800 मांग रहे थे, लेकिन ये दुम्बे के जो हेड है उसके ऊपर कुछ रैशेस रेड रेड कलर का हो चुका था, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो फिर मैं आगे बढ़ गया। लेकिन आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप जब भी अपना दुम्बा ले रहे हो तो उसकी पूरी हेल्थ आप चेक करो। जैसा वो भाई बता रहा था कि उसके कुछ बाल झड़े हुए थे नीचे पेड़ के पास, लेकिन वो कह रहे थे कि ये बस ऐसा ही होता है। लेकिन आप जब भी आप कुर्बानी का जानवर लेते हो तो पूरी तरीके से उसे चेक कर लो, ताकि कोई उसे बीमारी ना हो। किधर का है? ये अजमेर का है। इंडिया का? इंडिया, पाकिस्तान का? पाकिस्तान। क्या रेट है? कितने का है? दो दो इतना आएगा, 2550। 2550। इसका गोश्त अच्छा है, कश्मीरी तुम्बे से अच्छा है। इंडिया वाला वो 1100 वाला तो 1100 रुपये अच्छा है। इंडिया का नहीं है आपके पास? इंडिया वाला कैसा है? और ये भाई के पास भी इंडिया और पाकिस्तान के दुम्बे अवेलेबल थे, पर इन्होंने पाकिस्तान दुम्बे का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बताया। इन्होंने जोड़ी का प्राइस 2550 बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। और इंडिया के दुम्बे भी थे जो ये 1100 बता रहे थे, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे पहले वाले से जो हमने उस दुकान पर देखा। इनके साथ थोड़ी देर बात करके मैं फिर और दुकानों में चला गया। कितने दाना चाहिए? आप प्राइस बोलो, आपको बता दें क्या रेट। 1500। 1500 किलो है? ये 20 किलो आएगा, ये 18 किलो का नहीं, बड़ा वाला नहीं। ये 20 आएगा, 1500 रुपये वजन के हिसाब से महंगा बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये 20 से ऊपर आएगा। हम एक चाहिए, दो भाई दो चाहिए, लेकिन प्राइस महंगा बता रहा है। अच्छा बिस्मिल्लाह करें, आपको कितनी चाहिए बोले? आप बताओ कितना, आखिरी बताओ भाई ने तो बता दिया। 1500 ना? 1500 कम क्या क्या? अच्छा 1400 दे देना बस, ठीक है। हाँ ना कल 100 दिन में क्या इतनी हम इतनी ही बचत करते ना, 150 ये नहीं कि 3-4 दिन के ऊपर हम चाहते। और इनके पास भी इंडिया के दुम्बे थे, पर ये बहुत छोटे वाले 8 महीने के बता रहे हैं ये। पर इनका टेस्ट तो जो भाई ने बात की वो बिल्कुल सही है, इनका टेस्ट तो अच्छा ही रहता है। आखिर में ये भाई 1200 तक आ गए थे, लेकिन जो चीज़ हम लोग ढूंढ रहे थे वो ये नहीं थी, तो फिर मैं और आगे बढ़ गया और मंडी एक्सप्लोर करने के लिए। मंडी में यार सोमाली बकरे हैं जो मैंने आपको बताया कि 950 से 1000 के बीच में हैं, लेकिन ये काफ़ी पतले और बहुत मतलब छोटे छोटे से लगते हैं। इस गर्मी में 2-2.5 घंटे घूमने के बाद मंडी में मुझे लगा कि जो भाई हमें पहले मिला था वो बिल्कुल सही दुम्बा दे रहा था, बहुत ही अच्छा, हेल्थ में भी बहुत अच्छा था और बहुत ही खूबसूरत था, तो मुझे तो पहले ही पसंद आ गया था। बस मैं मंडी घूम रहा था कि मुझे कुछ रेट का आइडिया हो जाए कि इस दुम्बे का क्या रेट चल रहा है, तो मैंने इनके साथ बार्गेनिंग की, अच्छी बार्गेनिंग की, और 1400 से मैं सीधा इनको 1100 पे लेके आ गया। मैंने प्राइस इनको पहले 850 बताया और ये घटाते घटाते और हम लोग बढ़ते बढ़ते 1100 में हमारी बात फाइनल हो गई।
मैं इसे घर पे तो नहीं ले जा सकता क्योंकि इतना इजी नहीं है दुम्बे को रखना इधर घर में, तो मैंने इसकी एडवांस पेमेंट कर दिया और इंशाल्लाह ईद के दिन आके हम लोग लेके जाएंगे दुम्बे को। बाजू में स्लॉटर हाउस है जिधर हम लोग इंशाल्लाह ईद के दिन कुर्बानी करने के लिए आएंगे और उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस। ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा शारजा मंडी में कुर्बानी करने का। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नहीं है तो यार पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।